बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो अपना फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान का, जिसमें राजनीतिक विचारधाराएं और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का पेपर है, उसमें अपन ने कल मार्क्सवाद का व्याख्यान शुरू किया था। मार्क्सवाद के अंदर मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या है, मार्क्सवाद का अर्थ क्या है, मार्क्सवाद के विविध टर्मिनोलॉजीज और उनकी किताबें, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई किताबें, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। और फिर इसी क्रम में मैंने मार्क्सवाद को समझाते हुए मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा शुरू की थी, जिसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद का उल्लेख मैंने किया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वो मूल ऐसा सिद्धांत है जो जिसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या आर्थिक निर्धारीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहते हैं, ये भी मैंने बताया था। और इसके माध्यम से स्पष्ट हो गया था कि मार्क्सवादी विश्लेषण के मूल में कुल मिलाकर जो निजी संपत्ति है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि वो जो शोषण और शोषित का संबंध तय करते हैं, जिसके आधार पर वो संपूर्ण इतिहास का विश्लेषण करते हैं, उसके मूल में जो है वो वही है जो अपना आर्थिक तत्व है, निजी संपत्ति की संस्था है वो है। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष का, है ना, वर्ग संघर्ष का। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये है, मार्क्स कहता है कि जैसे इतिहास के हर युग में दो वर्ग बने, दो ही वर्ग बने, यानी कि जो उन दो वर्गों में समाज का विभाजन हुआ वो कुल मिलाकर आर्थिक आधार पर, यानी कि समाज की उत्पादन प्रणाली पर अधिकार के लिए जो दो वर्ग बने, एक बना प्रॉपर्टी संपत्तिवान, एक बना संपत्तिविहीन, है ना। जो संपत्तिवान था वो शोषक वर्ग और जो संपत्तिविहीन वो शोषित वर्ग। और ये जो दो वर्ग बने इतिहास में, हर युग में आर्थिक आधार पर ही, निजी संपत्ति के नियंत्रण के आधार पर ही, समाज की उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण के आधार पर ही दो वर्गों में विभाजन हुआ है। प्राचीन काल में दास और मालिकों के बीच में वर्ग विभाजन हुआ। मध्य काल में जो जो सामंत युग था उसमें सामंत और रैयत के बीच में, दो सामंत और किसान, ये दो वर्ग बने। और आधुनिक काल में जो पूंजीवादी युग है उसमें समाज का वर्ग विभाजन आर्थिक आधार पर बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में हुआ। ये जो दोनों वर्ग बने, मार्क्स अन्य किसी फैक्टर, किसी कारण से समाज के वर्ग विभाजन को महत्व नहीं देता, चाहे वो धार्मिक हो, जातिगत हो, नस्लवादी हो, उनको महत्व नहीं देता। वो कहता है कि कुल मिलाकर जो वर्ग विभाजन है वो आर्थिक कारण से ही होता है, आर्थिक उत्पादन समाज 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 की उत्पादन प्रणाली पर अधिकार के लिए होता है। और इसलिए कार्ल मार्क्स जो है वो इन आर्थिक आधार पर वर्ग विभाजन का पूरा ये विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फिर कार्ल मार्क्सवाद कहता है कि ये जो वर्ग विभाजन हुआ वो असल में ये है कि जो इन दोनों ही वर्गों के हित आपस में सामंजस्यकारी नहीं है, इन दोनों ही वर्गों के हितों में परस्पर टकराव है, कभी भी इनमें सामंजस्य नहीं हो सकता। जैसे रेलवे की पटरी साथ चलते हैं, रहते हैं, लेकिन वो कभी मिलते नहीं, इसी प्रकार से इन दोनों वर्गों के हितों में कभी सामंजस्य, कभी मेल नहीं हो सकता, इसलिए इसमें टकराव, इसमें संघर्ष अवश्यंभावी है। अब जब वर्ग विभाजन हुआ तो वर्ग संघर्ष होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो शोषक वर्ग है, चाहे वो प्राचीन काल से, मध्य काल से लेते होते हुए आज जो बुर्जुआ वर्ग है, वो अपने शोषण को जारी रखने का प्रयास करता है। वो अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित कर, पूंजी अर्जित कर शोषण को बढ़ावा देना चाहता है। और जो दूसरा वर्ग है, यानी कि सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो उस शोषण से मुक्ति पाने की कोशिश करता है, वो उससे निकलना चाहता है। और इसलिए इन दोनों ही वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष अवश्यंभावी हो जाता है, कोई समझौता, कोई सामंजस्य संभव नहीं है। और ये जो वर्ग संघर्ष है, कालांतर में हम देखते हैं, जब हम देखेंगे क्रांति का सिद्धांत, तो किस प्रकार वर्ग संघर्ष ही कुल मिलाकर वो आगे साम्यवाद और क्रांति का रास्ता तैयार करता है। तो ये वर्ग संघर्ष अवश्यंभावी है मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत, और ये दो वर्गों में ही विभाजन होता है। मार्क्सवाद का ये वर्ग संघर्ष के बारे में सिद्धांत है। और इसलिए कई बार मार्क्सवाद की साधारण आलोचना होती है कि मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की ही बात करता है, सामंजस्य की बात नहीं करता। ठीक है, तीसरा एक और प्रमुख सिद्धांत है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म।
मार्क्सवाद का सिद्धांत है। देखिए डायलेक्टिक्स का जो सिद्धांत है, द्वंद्वात्मकता का जो सिद्धांत है, वो मूलतः हेगल का, जर्मन विचारक हेगल का है। हेगल ने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत दिया था, मार्क्स ने उसको अपना लिया, लेकिन उसमें परिवर्तन करते हुए। कैसे? मार्क्स ने उसमें भौतिकवादी शब्द जोड़ा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी भौतिकवाद के आधार, भौतिकवादी तत्वों के आधार पर द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत। हेगल का जो द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत था वो मानसिक आध्यात्मिक, और इसलिए मार्क्स कहता है कि हीगल जो है वो सिद्धांत तो सही देता है, लेकिन वो अपने सिर के बल पे खड़ा है, यानी उल्टा। मार्क्स द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत क्या है? द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत ये है कि समाज का विकास समाज के द्वंद्व से ही आगे बढ़ता है, वो द्वंद्व जो है अंतर्निहित है समाज में। और इसको हीगल ने समझाया था जो वाद प्रतिवाद संवाद, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस के माध्यम से, यानी अगर सच है तो झूठ है, अगर सही है तो गलत है। समाज हर एक तथ्य, हर एक चीज के पीछे समाज में उसके उसके विरोध, उसके विरोधाभास में भी कुछ ना कुछ है। और इसी से समाज का विकास होता है, और ये कभी रुकता नहीं है, है ना? तो हेगल कहता था कि सबसे पहले जो है ये द्वंद्व की प्रक्रिया मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर पर शुरू होती है, भौतिकवाद बाद में। मार्क्स कहता है नहीं, ये जो द्वंद्व है सबसे पहले भौतिकवादी स्तर पर शुरू होता है, अध्यात्म और बौद्धिक स्तर तो बाद में। यानी कि कुल मिलाकर यूं समझे कि सबसे पहले आदमी सोचेगा, फिर वो, हेगल कहता है पहले सोचेगा फिर वो अपने अस्तित्व के बारे में सोचेगा, पहले वो भौतिकता के आधार पर अपना तय करेगा, फिर वो अपने अस्तित्व के बारे में तय करेगा। जबकि मार्क्स कहता है कि पहले पेट, यानी कि पहले रोटी, यानी कि पहले अपने अस्तित्व, पहले अपनी सांसारिक चीजों के बारे में व्यक्ति सोचता है, फिर उसके बाद अगर वो संतुष्ट होता है तो वो भौतिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जाता है। इसलिए मार्क्स की जो व्याख्या है वो भौतिकवादी व्याख्या है। तो भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत है, उसी से विकास होता है। जैसे हीगल ने एक सिद्धांत, एक उदाहरण दिया था। उदाहरण कैसे दिया था कि कैसे विकास होता है वाद प्रतिवाद संवाद का, इसको मैं बताऊं कि एक चीज है उसके विरोध में कुछ चीज खड़ी हो जाती है कालांतर में, और उन दोनों के बीच में द्वंद्व होता है, और दोनों की ही कुछ बातों को से समन्वित होकर जो चीज निकलती है उसको संवाद कहते हैं। वाद ए क्रिया, प्रतिवाद प्रतिक्रिया, उन दोनों को मिलाकर जो एक तथ्य निकलता है वो समाज के लिए वो संवाद है। लेकिन संवाद फाइनल स्थिति नहीं है, समवाद की जो स्थिति है कालांतर में उसमें भी विरोधाभास विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है, और उसी कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर फिर से वाद प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया होती है। फिर से उस संवाद में ये वाद प्रतिवाद संवाद की, तो ये अनंत चलती रहती है प्रक्रिया, और इससे ही समाज का विकास होता है। गेहूं के बीज का उदाहरण दिया कि मूल रूप नष्ट होता है तो नई चीज बनती है। गेहूं का एक बीज है, आज उसको बोया हमने, फिर उसमें से पौधा निकला, जो पौधा निकला तो गेहूं का जो ओरिजिनल शेप था, वो ओरिजिनल जो आकार था, वो खत्म हो गया, पौधा निकला। पौधे में से जब फल आए, बीज आए, तो फसल आई, बीज आया, तो फिर वो पौधे का भी मूल रूप नष्ट हो गया, है ना? लेकिन जो वो बीज आया वो तो अगले साल वो भी नष्ट होगा, वो भी जब जाएगा मिट्टी में तो उसका आकार भी नष्ट होगा। तो वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हेगल का सिद्धांत जो था वो आध्यात्मिकता को पहले प्राथमिकता देता था, भौतिकता को प्राथमिकता देता था। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत है वो भौतिकवादी व्याख्या, भौतिकवाद को प्रमुख स्थान देता है, और इसलिए इसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानते हैं। और समाज के विकास का, कुल मिलाकर समाज के विकास का नियम ये है, ऐसा मार्क्स कहता है। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि एक भौतिक स्तर पर द्वंद्व को प्राथमिकता देता है, दूसरा आध्यात्मिक स्तर पर द्वंद्व को प्राथमिकता देता है। और इसलिए जो मार्क्स है उसका सिद्धांत हीगल से लिया है, लेकिन उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये तीसरा सिद्धांत है। और इसके बाद मैं और भी प्रमुख सिद्धांत हैं, क्योंकि मार्क्स का उद्देश्य जैसा कि मैंने कल बताया था, ऐतिहासिक रूप से शोषण की व्याख्या करते हुए, आर्थिक आधार पर जो शोषण हुआ उसकी व्याख्या करते हुए, पूंजीवाद के आधुनिक काल में पूंजीवाद के विषम और बहुत ही शोषणकारी तत्वों को किस प्रकार समाप्त किया जाए, उसके माध्यम से किस प्रकार साम्यवादी समाज की स्थापना की जाए, उसकी व्याख्या करता है।
और ध्यान रहे कि कार्ल मार्क्स जो है, मार्क्सवाद जो है वो राज्य को एक शोषणकारी यंत्र मानता है, बुर्जुआ यानी शोषक वर्ग के हाथों में राज्य एक यंत्र है सर्वहारा यानी कि शोषित वर्ग के शोषण के लिए, और इसलिए वो राज्य का प्रखर विरोध भी करता है। तो इसलिए अपन आगे और भी सिद्धांत हैं जो उसके बारे में आगे व्याख्यान